हेलो एवरीवन, दिसंबर के मंथ चल रहा है, ये एकदम आखिरी वाला साल का, और हमको मिनी क्लिप के अवतार्स, इवेंट, कुछ अलग वाले फ्रेम, ये सब देखने को मिलने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में समझने वाले कि कैसे आप लोग सब कुछ एक ही बार में कलेक्ट कर सकते हो, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने सारे नए इवेंट मिनी क्लिप ने दिए वन बाय वन। विंटर फेस्टिवल सीजन चल रहा है जिसमें हमें कैरम पास, उसके बाद एक मनाली टेबल आने के भी चांस है, और उसके बाद यहाँ पे और भी दो तीन नए इवेंट देखेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। मिनी क्लिप अभी एकदम जी जान से अपने गेम को और भी ज्यादा जबरदस्त बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने हैकर का कुछ नहीं किया है। सब कुछ उसका ध्यान है ऑफर्स और इवेंट की तरफ। कंटिन्यूसली हमें एक से बढ़िया एक इवेंट वगैरह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हैकर का कुछ भी नहीं कर रहा है मिनी क्लिप। मतलब अगर यूजर ही नहीं रहेंगे तो ये इवेंट किसको देंगे आप? कुछ भी यार, देखते हैं अभी हम पूरे इवेंट को। तो जो विन स्ट्रीक नाम का इवेंट है, ये हमको पहले भी मिला था, लेकिन अभी दोबारा से देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार इसमें थोड़े बहुत चेंजेस है, वो हम देखेंगे वीडियो में आगे। यहाँ पर देखते हैं डेली डील्स के सारे जो भी अवतार है, इसको आप लोग वन बाय वन कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला जो है वो है ये वाला 250 जेम्स के अंदर, इसको आप कलेक्ट कर सकते हो बड़ी आसानी से अगर आपकी आईडी में 250 जेम्स है। और उसके बाद ये हमें 5 से 6 अवतार कंटिन्यू देखने को मिलते हैं। सारे अवतार्स फुटबॉल के रिलेटेड है, अभी फुटबॉल का इवेंट चल रहा है, बहुत ही बड़ा वर्ल्ड कप, तो उससे ही रिलेटेड है सारे अवतार। किसी में फुटबॉल की जर्सी शो हो रही है, किसी में फुटबॉल के शूज। ये वाला जो अवतार है ये 300 जेम्स में मिल रहा है, ब्लू मेडल, ये भी फुटबॉल के रिलेटेड ही है, फुटबॉल का सेलिब्रेशन वगैरह आप इसको बोल सकते हो। डेली डील्स के अंदर ये हमारा सेकेंड अवतार है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, और पहला जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है। और ऐसे वन बाय वन हम डेट को आगे लेके सारे अवतार को कलेक्ट कर सकते हैं। और कल एक बहुत ही बढ़िया इवेंट भी शुरू होने वाला है जिसका नाम है विन स्ट्रीक, तो कल ही हमको उसका पोस्टर भी देखने को मिलने वाला है, वही इवेंट भी चालू हो जाएगा। तो हम इस इवेंट को देखते हैं और अच्छी तरह से देखते हैं इसके रूल भी। इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसमें एक नया स्ट्राइकर देखने को मिल रहा है, और ये विन स्ट्रीक है, मतलब हमें कंटिन्यूसली विन करना पड़ेगा तभी हम इस स्ट्राइकर को विन कर सकते हैं। एकदम ध्यान से आप लोग को इसको फिनिश करना पड़ेगा। हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे आप लोग इसको फिनिश कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे रूल्स में एक बार ध्यान से देखो कि एक मैच विन होने पे हमें 50 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, और कंटिन्यू मैच जीतने के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट्स कलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रोजन स्ट्राइकर के लिए हमें चाहिए 1500 पॉइंट्स। अगर हम दो मैच को कंटिन्यू विन करते बिना लॉस करें तो हमें यहाँ पर 1500 कॉइंस मिलेंगे, और फिर उसके बाद ये बॉक्स मिलेगा 5 मैच विन करने के बाद। तो ये सारे रिवॉर्ड्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ये सारे रिवॉर्ड्स हमें इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें फ्रोजन स्ट्राइकर चाहिए, और उसको लेने के लिए 1200 पॉइंट चाहिए फ्रोजन स्ट्राइकर को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन लगाए 50-50 पॉइंट्स करते करते हमें यहाँ पे टोटल 24 मैच को विन करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर फ्रोजन स्ट्राइकर मिलेगा। और नीचे यहाँ पे एक ट्विस्ट ऐड किया इस बार मिनी क्लिप ने, पहले सिर्फ एक ही बार हम लॉस होते थे तो इवेंट से बाहर, लेकिन अब अच्छा हो गया, थोड़ा आसान हो गया कि हमें अब 3 बार चांस दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो नीचे बॉक्स से बने हुए, अगर एक बार भी लॉस हुआ तो बॉक्स पे क्रॉस का निशान आ जाएगा और 3 हमें मौके मिलेंगे, और 3 बार अगर हम फिनिश नहीं करते इसको तो वो इवेंट हमारी आईडी के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर हम फ्रोजन स्ट्राइकर को शायद फिर कभी ना ले पाए। तो इसको आप एकदम ध्यान से देखना, पर इस बार हमें शायद चेक करना पड़ेगा ये फ्रेंड्स में वर्क कर रहा है या नहीं। मैं अपकमिंग वीडियो में ट्राई करके देखूंगा कि ये फ्रेंड के चैलेंज में वर्क करता है या नहीं, पर उसको हम देखने वाली बात होंगी कि ऐसा शायद मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि मिनी क्लिप ने ऐसा तो नहीं किया होगा कि फ्रेंड के चैलेंज करते से हम इवेंट को ख़त्म कर दें। तो अगली वीडियो के लिए वेट करना, उसमें हम देखेंगे एकदम डिटेल में कि कैसे हम इसको ख़त्म कर पाए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर डेली डील्स पर, तो 10 डेट कर देंगे यहाँ पे 900। एक नया अवतार फिर से देखने को मिलेगा जिसका नाम है गोल कीपर का कुछ रिलेटेड अवतार है, फुटबॉल के रिलेटेड है सारा कुछ। तो ये है 200 जेम्स का, और इससे पहले वाला जो था 300 जेम्स का था। तो अगर आपकी आईडी में अच्छे खासे जेम्स है, मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊँ तो हमें टोटल 6 अवतार देखने को मिलेंगे, शायद 5 कंटिन्यू, और उसमें हमें लगने वाले है ऑलमोस्ट 2 से 2500 या 3000 जेम्स, ठीक है। तो इतने जेम्स आपके आईडी में होने चाहिए। अगर आपके आईडी में नहीं है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर जब ये डेली डील्स के सारे रिवॉर्ड्स हम लोग कलेक्ट कर लेंगे तो एक और नया इवेंट देखने को मिलेगा जो कि है ऑलमोस्ट 4 vs 4 के लिए, सॉरी 2 vs 2 के लिए, जिसमें हमारे को और ज़्यादा बड़े रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। डेली डील्स के सारे रिवॉर्ड्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो आ चुके हैं हम 13 तारीख को, और 13 तारीख को फिर एक नया
सॉरी अवतार देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बढ़िया है, हाई फाई वाला अवतार। तो ये एक लास्ट अवतार है, और इसके बाद अगर हम फिर से टाइम को आगे लेंगे तो देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर एक नया इवेंट, जो कि है 2 vs 2 का एक एडवर्टाइज, जिसमें हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले। तो इस पोस्टर में तीनों टेबल्स का यहाँ पे सिंबल वगैरह बनाया हुआ है, और नीचे लिखा है कि एक्स्ट्रा जेम्स एंड चेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे। मतलब हो सकता है कि हमें वो जेम्स में पहले ओपन करने पे 10 जेम्स मिलते थे रिटर्न में, पर अब शायद उसमें ज़्यादा जेम्स कॉइंस देखने। ये था थोड़ा डिटेल में वीडियो, जो कि सारे इवेंट्स होता है आप लोग एक ही दिन में अभी इसी वक्त को कलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद भी कुछ इवेंट आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे अमेजिंग वीडियो के सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।